एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल ACM एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हम टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोबेबली ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, जहां पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ कोरोजन और रेंसिडिटी, ये दो टॉपिक हमारे आखिर में बच गए थे, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। इसको आप बाकी रिएक्शन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, पहली बात, ये उन सभी से थोड़ा अलग है, और इसको समझने के लिए आपको पहले चार टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं वो चार टर्म्स क्या हैं। तो पहला टर्म है हमारा ऑक्सीडेशन, जैसा कि डेफिनेशन हमारा, पहले ये देखिए नाम हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये दो बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें ये रिएक्शन समझ में आएंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को आप दो वे से डिफाइन कर सकते हो, ये दोनों ही ठीक है। पहला डेफिनेशन है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दूसरा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, या फिर किसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। इन दोनों केस में अगर कोई भी केस हमारा ठीक है तो वो ऑक्सीडेशन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये रिएक्शन क्या है हमारा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन है, जहाँ से हमारा कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, और इस रिएक्शन ये जो हो रहा है कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ये रिएक्शन हमारा हुआ क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन क्या हुआ, रिडक्शन इसका पूरा उल्टा होता है। अब रिडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये इसका पूरा उल्टा है हमारा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसका पूरा ऑपोजिट है। अगर जैसे हम एग्जांपल में देखें तो अगर ये रिएक्शन तो ऐसे हो रहा है हमारा, ये जो पहला एग्जांपल था, ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है Cu+O2 गिव राइज़ टू Cu। अगर ये रिएक्शन ऐसे होता, बैकवर्ड से अगर ये रिएक्शन हो रहा होता, मतलब अगर कॉपर ऑक्साइड होता, उसे हम हीट करके उसमें से कॉपर अलग कर रहे होते और ऑक्सीजन गैस निकल रही होती, अगर ऐसा रिएक्शन होता तो क्या होता, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा होता उस रिएक्शन में। तो वहां पे ऑक्सीजन जो था कॉपर ऑक्साइड से वो निकल रहा था, मतलब रिमूव हो रहा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। अब और एक चीज, यहाँ पे चार पॉइंट है टोटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, आप किन्हीं एक पॉइंट यहाँ पे पकड़िए और उसी पॉइंट को यहाँ पे पकड़िए, बाकी जो ऑपोजिट है वो अपने आप याद हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन आपको अगर याद रखना है तो आप सिर्फ ये याद रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन के बारे में एक बार भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपको और एक टर्म याद रखना है, ऑक्सीजन के साथ और एक टर्म हमारे रिलेटेड है हाइड्रोजन। फिर आप याद रखिए, जहाँ पे कोई चीज़ अगर ऐड हो रही है तो उसकी ऑपोजिट रिमूव हो रही होगी उसी डेफिनेशन में, मतलब अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली रिडक्शन में अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जिससे आप इसको ईजिली याद रख सकते हो। फिर अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं हम, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब अभी हम जो बात कर रहे थे वो तो यह हुआ कि वो वहाँ पे जो प्रोसेस था वो मतलब कहाँ पे ऐड हो रहा था या फिर रिमूव हो रहा था ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के बारे में, वो अलग चीज़ होगी, वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होंगे क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अब यहाँ पे देखिए इसी रिएक्शन में हम बात करते हैं, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है, पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना तो ऑक्सीजन अपने आप तो नहीं है ना, कहीं से किसी और एलिमेंट या फिर कंपाउंड से ऑक्सीजन आया होगा। तो जो ऑक्सीजन दे रहा है सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, यहाँ पे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हुआ। इस ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर को होने के लिए जो और एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड हेल्प कर रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन दे रहा है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में यही कह रहा है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीडेशन फॉर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, और द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन।
तो ये चीज हमारी हुई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि या तो हाइड्रोजन दे ऑक्सीडेशन के टाइम, या फिर सॉरी ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के टाइम, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करे रिडक्शन में। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इसका पूरा उल्टा होगा। मतलब एक सब्सटेंस हो या तो हाइड्रोजन दे रहा हो रिडक्शन के लिए, या फिर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा हो, ये चीज हमारी होगी क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बेसिक चार टर्म है जो हमें पहले पता होने चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझने के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। तो इफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑक्यूरिंग इन ए रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, अब इससे कन्फ्यूज मत होना, ये तो सिर्फ ऐसे ही प्रोसीड कर रहा है। ये रिएक्शन जो है, सबसे ऊपर जो हमने एक एग्जांपल लिया था कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज़ टू कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ये रिएक्शन इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। अगर ये रिएक्शन ऐसा होता, अब ऐसा मत समझना कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं नहीं, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही है। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड कर रहा होता, मतलब अगर ऐसा होता कॉपर ऑक्साइड, अगर आप उसको हीट देते फिर कॉपर निकलता और साथ में ऑक्सीजन बनता, अगर ये रिएक्शन लिखा होता तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होता, मतलब रिड्यूसिंग ऑफ कॉपर होता, तो ये रिड्यूसिंग रिएक्शन होता, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, इससे कन्फ्यूज मत होना कि ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है या फिर दोनों है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सिर्फ। तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होंगे, आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल ये है हमारा, देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट हमने दी, कॉपर बना और वाटर निकला। यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या हुआ हमारा, कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बन रहा था, ये रिएक्शन हमारा क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वाटर बनने के लिए, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये पूरा एक ही रिएक्शन था हमारा, CuO प्लस H2 गिव राइज़ टू Cu प्लस H2O, ये पूरा एक रिएक्शन था जहाँ पे साइमल्टेनियसली रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। अब एक चीज, जब भी आप कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स, बेसिकली आप रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें चार चीज़ें हमेशा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, और ये चार चीज़ें आपको ही पता होनी चाहिए, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज होगी कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। मतलब ओवरऑल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को लेके, वो डिपेंड करते हैं कि आपको ये चार चीज़ें आपको पता है उस रिएक्शन में या नहीं। अगर ये चार चीज़ें आपको पता है तो आप ये रिएक्शन भी अच्छी तरह से जानते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं चार सब्सटेंस में पूछ जाएंगे। मतलब अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो वो कैसा आता है, एक रिएक्शन दे दिया होगा, पहले तो पूछेगा इधर ये रेडॉक्स है या नहीं, तो आप देख लेंगे अगर दोनों रिएक्शन हो रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर आपको पूछेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है। ये चार चीज़ें लिखिए, चार चीज़ों के हाफ हाफ करके टोटल 2 मार्क होते हैं यहाँ पे। तो ये चार चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेंगी, तो आइए इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है रिएक्शन में, ये बताइए। तो पहले ही आप देखिए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब उसको या तो ऑक्सीजन मिल रहा है उस सब्सटेंस को, या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वो होता है हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन सा हुआ, हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है तो हाइड्रोजन जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाटर बन रहा है, तो इसलिए हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हुआ, H2 हुआ। फिर आपको पूछेगा कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ,
मतलब जहाँ पे ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे अगर या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ हमारा, कॉपर ऑक्साइड हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से हमारा रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। फिर आपको पूछेगा कि अब बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन रिमूव करे रिएक्शन में, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस, ये जहाँ मतलब एक सेकेंड आप एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए H2 से H2O बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है नो डाउट, पर H2 को कोई तो ऑक्सीजन दे रहा होगा तभी H2O बनेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप तो कहीं से प्रकट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे इसका ऑक्सीजन निकल रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन निकल रहा है और कॉपर बन रहा है, और वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से निकला वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना रहा है। तो ऑक्सीजन बेसिकली दे कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है हमारा ऑक्सीजन किसको, H2 को, ताकि H2 का ऑक्सीडेशन हो और H2O बने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन दे रहा हो किसी भी रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए जो ऑक्सीजन दे रहा हो वो सब्सटेंस हमारा कौन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। फिर आपको पूछा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये बताइए। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा उल्टा, मतलब जो सब्सटेंस या फिर जो एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड जो कि क्या कर रहा हो आपका, या तो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा हो या हाइड्रोजन दे रहा हो। तो यहाँ पे देखिए H2, H2 क्या कर रहा है, इसी की वजह से पहले पहले तो ये देखिए H2 जो है वो H2O हो रहा है। अब हाइड्रोजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल रहा है कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ऑक्सीजन निकल रहा है कॉपर ऑक्साइड से। तो ये ऑक्सीजन निकल क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन चाहिए अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, तो ये हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो ऑक्सीजन निकाला कौन, हाइड्रोजन। तो सब्सटेंस हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ वो कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ने ही ऑक्सीजन रिमूव किया कॉपर ऑक्साइड से। तो ये हमारे चार टर्म हुए जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाओ जो कि पूछे जाते हैं। एक और चीज अगर आपने ध्यान दी होगी, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये दोनों एक ही सब्सटेंस होते हैं हमेशा। सिमिलरली सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों भी एक ही सब्सटेंस होते हैं। कैसे, तो देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, जिसे ऑक्सीजन मिल रहा हो। अब जिसे ऑक्सीजन चाहिए वो और कहीं से तो ऑक्सीजन लाएगा ना, वो जो सब्सटेंस जिसे ऑक्सीजन मिल रहा हो वो कहीं और से ऑक्सीजन लाएगा। तो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो है, मतलब जिसे ऑक्सीजन मिल रहा है वही ना ऑक्सीजन रिमूव करेगा, है कि नहीं, उससे चाहिए हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन चाहिए इस रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन ही तो ऑक्सीजन रिमूव करेगा ऑक्साइड से। तो इसीलिए हमारा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये दोनों एक ही होते हैं। मतलब दोनों सेम नहीं है, पर दोनों ये जो है, मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो एलिमेंट या फिर कंपाउंड होता है, वही कंपाउंड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। सिमिलरली सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही है। कैसे, अब सब्सटेंस रिड्यूस मतलब जो ऑक्सीजन दे रहा हो, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन दे रहा हो, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडेशन दे रहा है, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब जो रिडक्शन रिएक्शन में हमारा जिससे ऑक्सीजन निकले, तो ये दोनों भी एक ही चीज हुई ना। तो इसीलिए सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों मतलब एक ही कम सब्सटेंस होते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन में। और सिमिलरली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही होते हैं। अब आप में यहाँ पे बहुत बहुत बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, ये मुझे पता है। तो चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और वहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसी रिलेटेड। मतलब आप पहले तो ये गेस करना कि कौन सा हमारा ऑक्सीड
ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है, फिर आप बताना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, ये सब फिर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेके आते हैं ये H2S plus Cl2 give rise to S plus 2HCl, ये पहला हमें इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पे देखिए H2S से S बन रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन निकले या फिर ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे H2S से हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है, सल्फर बन रहा है, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ रिडक्शन। अब ये चीज़ अगर आपको कंफ्यूज फिर भी लग रही है तो याद रखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये दो होते हैं रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों होते हैं ऑक्सीडेशन। पहले इसीलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाया ताकि आपको ये पहले अच्छी तरह से याद रहे, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, फिर आप ये जो चार चीज़ें ये आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर आप यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हो तो फिर से थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये चार चीज़ पहले क्लियर हो जाइए, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने अभी आइडेंटिफाई कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है, फिर आपको क्या पूछा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से सभी बात चल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कहीं पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस रेस्पेक्टिव में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा, जो सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रहा है वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, है कि नहीं। पिछले वाले एग्जांपल में हमारा सभी जो मतलब जो डेफिनेशन चल रहा था वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में चल रहा था, कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, कहीं पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, तो वहां पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ था, जो सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल रहा हो, पर यहाँ पे सभी जो हमारा चल रहा है पूरा रिएक्शन वो हाइड्रोजन के परस्पेक्टिव से चल रहा है, तो यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए H2S है, H2S से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और सल्फर बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वो क्या हुआ H2S हुआ। फिर आपको पूछा सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब जहाँ पे अभी हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, तो हाइड्रोजन ऐड कहाँ हो रहा है, क्लोरीन से HCl बन रहा है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन हमारा क्या होगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। फिर आपको पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, क्लोरीन ही हुआ। फिर आपको पूछा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ H2SC हुआ, है कि नहीं, क्योंकि देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो या तो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन रिमूव करे, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो H2S से उसका हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है, क्यों, क्योंकि उसे खुद को हाइड्रोजन चाहिए, क्लोरीन को खुद को हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए उसने H2S से हाइड्रोजन रिमूव किया, तो क्लोरीन क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हुआ H2S हुआ, कैसे हुआ, अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो या तो हाइड्रोजन रिमूव मतलब क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड करा रहा हो, तो H2S हमारा हाइड्रोजन दे रहा है किसे, क्लोरीन को, है कि नहीं, क्लोरीन निकाल रहा है H2S, ये हाइड्रोजन H2S जो है वो अपना हाइड्रोजन किसे दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है ताकि HCl बने, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ हमारा H2S हुआ, क्योंकि H2S जो है वो अपना हाइड्रोजन दे रहा है क्लोरीन को ताकि क्लोरीन को हाइड्रोजन मिले और फिर HCl बने, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ H2S हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ क्लोरीन हुआ। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं इन चारों में, तो जैसा मैंने पहले बताया हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दोनों एक ही एलिमेंट या फिर कंपाउंड होते हैं, सिमिलरली सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग क्या होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसा सोचिए कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है, वही सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। सिमिलरली अगर आपको कन्फ्यूज हो रही है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो ये सोचिए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट भी है, या फिर वाइस वर्सा, अगर आपको सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में कन्फ्यूज हो रहा है तो ऐसा सोचिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है तो ऐसा सोचिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो फिर हम अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 2PbO plus C give rise to 2Pb plus CO2। तो यहाँ पे देखिए PbO से
ऑक्सीजन निकल रहा है, पीबी बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन होगा हमारा, तो पीबीओ होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि पीबीओ ही यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है। अब यहाँ पे बात हमारी ऑक्सीजन के परस्पेक्टिव से चल रही है, पिछले एग्जाम्पल में हाइड्रोजन से चल रहा था, कहीं पे मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा था या कहीं पे रिमूव हो रहा था, यहाँ पे फिर से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन के परस्पेक्टिव से हम पूरी डेफिनेशन यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन होगा, जो ऑक्सीजन दे रहा होगा, तो पीबीओ ऑक्सीजन दे रहा है, तो पीबीओ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो पीबीओ से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। फिर अगर हमें पूछे कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है ये बताइए, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड वही होगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब पीबीओ। अगर आपको पूछा कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वही है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कौन, कार्बन इस एग्जांपल में। अब हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, फिर हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। अगर इस एग्जांपल के बाद भी आपको डाउट रहे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार फिर से थोड़ा गो थ्रू हो जाइए जितने मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, फिर आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इनिशियली कन्फ्यूजन हर बच्चे को रहता है, ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आपको इन तीन चार सिलेक्टेड एग्जाम्पल जो मैंने लिए थे वहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से इन्हें एक्सप्लेन कर दूँ। तो फाइनल एग्जाम्पल हमारा क्या है, H2S plus I2 give rise to 2HI plus S। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कहीं नहीं है, सारा जो हमारा माजरा है यहाँ पे हाइड्रोजन से ही हो रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कहीं पे ऐड हो रहा है, ये तो आपको देखते ही पता चल गया। तो आप फिर ऑक्सीजन के बारे में भूल जाइए इस रिएक्शन में, यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन से मुझे डेफिनेशन बनाना है और हाइड्रोजन के परस्पेक्टिव से ही सोचना है। तो ऑक्सीडेशन कौन सा होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो, तो यहाँ पे देखिए H2S से S बन रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे I2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ, तो ये आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर आपको पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर्सपेक्टिव में यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन से सभी हो रहा है, ऑक्सीजन की बात नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज एजेंट कौन होगा, हमारा I2 होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2S होगा। कैसे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन फिर से याद करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन रिमूव करे, ऑक्सीजन की यहाँ पे बात ही नहीं है, तो हाइड्रोजन रिमूव करा रहा हो, तो I2 से HI बन रहा है, ठीक है, पर हाइड्रोजन I2 को चाहिए, तो I2 कहाँ से भी हाइड्रोजन लाएगा ना, तो वो H2S से हाइड्रोजन खुद ले रहा है कि नहीं, I2 H2S से हाइड्रोजन ले रहा है ताकि HI बने, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन हुआ, I2 हुआ। सिमिलरली तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, हमारा H2S हुआ, क्यों हुआ। अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो दे रहा हो जो कंपाउंड, तो यहाँ पे H2S अपना हाइड्रोजन दे रहा है I2 को, वही बात होगी ना, I2 ले रहा है H2S से या फिर H2S I2 को दे रहा है, मतलब इन शॉर्ट हाइड्रोजन H2S से I2 की ओर जा रहा है, बेसिकली यही तो हो रहा है। अब I2 ले या फिर H2S दे, बात वो डिपेंड नहीं करता, हमारा हाइड्रोजन बेसिकली I2 पर जा रहा है, ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो तो आपको पता होगा कि I2 को हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि उसे हाइड्रोजन चाहिए था तो उसने ले लिया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि H2S हाइड्रोजन दे रहा है I2 को, तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये हमारी बात होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन की। स्पेशली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो मेरा सीन ये है कि आप और काफ़ी जितने भी एग्जाम्पल आपको कहीं से भी मिले, आपकी NCERT से या फिर कोई भी रेफरेंस बुक जो आप फॉलो करते हो, अगर मेरी मानो तो 3 बुक्स हैं अगर रेफर आपको करनी है NCERT को छोड़ के, तो एस चांद, एग्जाम आडिया या फिर ओसवाल के जो प्रीवियस ईयर का बैंक आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बैंक, इन तीनों में से साइंस में, तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में
इन तीनों में से कोई भी बुक आप चाहो कर सकते हो, सभी इक्वल हैं, मतलब ज़्यादा किसी में डिफरेंस नहीं है। अब उनमें से भी कौन सी किस चैप्टर के लिए, कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बेस्ट है, तो उसके लिए आप हमारा वीडियो देख लीजिए बेस्ट बुक्स फॉर क्लास टेंथ, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। और एक वीडियो भी हम ले के प्लान कर रहे थे कि पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर के लिए कौन सी रेफर बुक ज़्यादा अच्छी है, या फिर एनसीईआरटी करने से सफिशियंट है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कौन से चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन उससे सॉल्व करने हैं, और मार्किंग स्कीम कौन से चैप्टर से कितने मार्क के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, एमसीक्यू या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो हम पर्टिकुलरली पर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाएंगे, पर उसमें थोड़ा रिसर्च भी होगी और हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो वो वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे, पर उससे पहले हम कुछ चैप्टर्स कवर अप कर लेंगे, फिर वो वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात होगी, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम देखते हैं हमारा क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो टॉपिक हमारे रह गए हैं आखिर में, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है। तो बेसिकली कोरोजन और रेंसिडिटी ये दोनों जो टर्म हैं, ये एक एक इफेक्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उनमें से दो इफेक्ट है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो पहला इफेक्ट है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल लाइक एन एसिड ऑन देयर सरफेस। ये हुआ हमारा कोरोजन का डेफिनेशन। मतलब अगर आप देखें तो आपको पता है लोहे को जंग लग जाता है, वो एक एग्जाम्पल है हमारा कोरोजन का, जैसे हम यहाँ पे लिखा है रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि रस्टिंग ही कोरोजन है। जो बच्चे थोड़ा थोड़ा रस्टिंग जानते हैं और जहाँ पे उन्होंने कभी कोरोजन सुना होगा, तो कई बच्चे ये कन्फ्यूज होते हैं कि क्या कोरोजन और रस्टिंग एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग चीज़ है। तो रस्टिंग जो है वो एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन में कोई भी मेटल एयर से या फिर मॉइस्चर से या फिर किसी केमिकल से ईटन अप हो जाए, वो होता है कोरोजन। जैसे कि अगर लोहा है, लोहा मतलब आयरन एक मेटल है, वो एयर मॉइस्चर या फिर एसिड में अगर वो ईटन अप हो जाए, तो पर्टिकुलरली आयरन के केस में उसे हम रस्टिंग कहते हैं, पर अगर हम सारे मेटल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो हमारा हुआ कोरोजन, ठीक है। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग का। एक और अगर हम एग्जाम्पल लें तो कॉपर, कॉपर इनिशियली आपको पता है कलर, कुछ कॉपर को कलर पता है ऐसा येलो इस गोल्डन टाइप का कलर होता है, पर कोरोजन के चलते, मतलब अगर कॉपर को आप बहुत देर तक अगर एयर में या फिर मॉइस्चर में या फिर कोई एसिड में एक्सपोज करके रख दो, तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपको पता है वो जब बना था तो उसका इनिशियल कलर ऐसा था, क्योंकि वो उसमें ज़्यादातर कॉपर यूज़ हुआ होगा। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है इसलिए आपको हवा या फिर खिड़कियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो हमारा जो कॉपर इनिशियली यूज़ हुआ था स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, उसलिए इसका कलर कुछ ऐसा था, पर ओवर द टाइम क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज होकर रहा तो उसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में। अभी आप अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखोगे तो उसका कलर कुछ ऐसा है, इसलिए ये हमारा हुआ क्या कोरोजन, ठीक है। कॉपर का स्पेशली ग्रीन कलर होता है, और आयरन जैसे इनिशियली ये कलर होता है वो रेडिश ब्राउन ऐसा हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल थे किसके, कोरोजन के। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है हमारा आयरन का कोरोजन में, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इसका ये एक रिएक्शन है, कि आयरन जो रस्ट होता है उसका रिएक्शन क्या है। तो 4Fe+3O2+2XH2O गिव राइज़ टू 2FeOO3.XH2O। ये जो Fe2O3.XH2O है, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है रस्ट का। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, देखिए आयरन उसके साथ ऑक्सीजन और 2XH2, एक्स यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, ये डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे अगर एक्स 1 है तो यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2×X होंगे, मतलब 2 होंगे। यहाँ पे 2H2O है, Fe2O3.2H2O, तो यहाँ पे 4H2O होंगे, ठीक है। तो ये x कन्फ्यूज मत होना, ये x क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। उस परस्पेक्टिव से यहाँ पे कितने डॉट H2O के वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे उसके डबल होंगे, बेसिकली यही चीज़ है। आपको ये रिएक्शन याद रखना है, रस्टिंग का, रस्ट का फॉर्मूला और रस्टिंग रिएक्शन कैसे होता है, ये हमें याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो रस्टिंग है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये हमारी बात होगी किसकी, कोरोजन की। फिर हम बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी क्या है, देखिए रेंसिडिटी इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने लेस का पैकेट अगर आप कभी खरीदे होगे और उसको दो तीन दिन ऐसे ही छोड़ दिया पैकेट खोल के, तो वो क्या होता है, एक अनप्रेजेंट स्मेल उसमें डेवलप हो जाती है। या फिर कोई भी आपने एप्पल या फिर कोई भी फ्रूट टमाटर या फिर और भी कोई चीज़ सड़ जाती है, या फिर सड़ना या फिर उसमें से बूंदी स्मेल आनी या फिर उसका टेस्ट खराब हो जाना, ये जो तीनों चीज़ अगर कोई किसी फूड के साथ होती है तो वो हम रेंसिडिटी कहते हैं। वो ये क्यों होती है, क्योंकि किसी भी फूड में फैट और ऑयल होते हैं, वो एरियल ऑक्सीडेशन के चलते, मतलब एयर में ऑक्सीजन होता है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो उन फूड के फैट और ऑयल के साथ अगर रिएक्शन कर जाए तो वो फूड अनप्लेजेंट स्मेल देता है या फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो आई होप आपको रेंसिडिटी क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यूजिंग एंटी ऑक्सीडेशन टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। हमें क्या पढ़ा कि मतलब जो ऑक्सीडेशन है उसी के चलते रेंसिडिटी होती है, जो ऑक्सीजन है वो फूड के फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं जैसे BHA मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसका डेफिनेशन है BHA का, या फिर BHT मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ये दो सब्सटेंस हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या करते हैं, अगर ये दो आप फूड में ऐड कर दो तो जो फूड है वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो हम ये कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेशन यूज़ करें, या फिर हम जो फूड है हमारा जहाँ पे फैट और ऑयल जिन फूड में होता है उनको हाइड्रोजन गैस में पैक कर सकते हैं। जैसे आपने लेस की पैकेट में देखा होगा कि उसमें बहुत सारी हवा भरी होती है, तो वो एक रीज़न है। हम मजाक उड़ाते हैं वो अलग बात है कि पैकेट में चिप्स कम है और एयर कम है, पर वो एयर जो है वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस है। हाइड्रोजन अगर मैंने बोल दिया तो सॉरी, वो नाइट्रोजन गैस है। वो इम्पोर्टेंट है क्यों, ताकि फूड में रेंसिडिटी ना हो, मतलब वो जो चिप्स है वो ख़राब ना हो। अब कई चिप्स ऐसे भी आते हैं जिनमें टोटली एयर नहीं होती, वो क्या करते हैं एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं या फिर और कोई मेथड जैसे एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उसमें ऐड कर देते होंगे, या फिर और कोई प्रोसेस हो सकता है। और मतलब सिर्फ एक ये प्रोसेस नहीं है चिप्स को ख़राब होने से रखने के लिए, पर जो कॉमनली इंडिया में हम चिप्स जो भी कंज्यूम करते हैं जैसे लेस हुआ, बिंगो हुआ, कुरकुरे हुआ और भी जो इतने हो, वो बेसिकली क्या करते हैं अपने चिप्स में नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं उस पैकेट में, ताकि रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जाए। तो इसीलिए जो एयर है वो उसमें रखी जाती है, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए या फिर ऐसे ही मार्केटिंग के लिए इतनी सारी एयर भर देते हैं, उसका एक रीज़न भी है ताकि फूड ख़राब ना हो। तो ये हो गया एक और पॉइंट, हम कैसे रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर और तीन पॉइंट है, इसे क्विकली कवर अप करते हैं। तीसरा पॉइंट है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है वहाँ पे, तो उस उतने कम टेम्परेचर पे जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। फिर स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंडीशनर, ये तो है क्योंकि अगर आप फूड किसी एयर टाइट कंडीशन में पैक कर दो एयर टाइट कंटेनर में, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो एयर टाइट है, वहाँ पे एयर एंटर नहीं कर सकती। आप फूड रख के उसे बंद कर दो, एयर वहाँ पे एंटर नहीं कर सकती, तो ऑक्सीजन एयर जो ऑक्सीजन है वो तो एयर में ही है, तो फिर वहाँ पे वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। हाँ, जो आपका कंटेनर है उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, पर उतने कम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप फूड को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से अगर एक्सपोज कर दो तभी रेंसिडिटी होती है। तो एयर टाइट कंडीशनर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है और बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही फूड को, तो फूड के अंदर जो फैट और ऑयल है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया एक और चीज़। और एक जो आखिरी पॉइंट है ये है स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, जैसे कि सनलाइट या फिर और भी कोई लाइट सोर्स से दूर रखो। इसका क्या है, इसका रीज़न ये है, मतलब रीज़न क्या है बेसिकली कि लाइट से दूर रखने से कैसे रेंसिडिटी नहीं होगी। तो जो रेंसिडिटी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक तरह का, क्योंकि फैट और ऑयल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये जो रेंसिडिटी का रिएक्शन है ये बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर या फिर लाइट में और भी प्रिफर है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन होता है, पर अगर उस रिएक्शन को लाइट मिल जाए या फिर थोड़ी बहुत हीट मिल जाए तो वो रिएक्शन और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसलिए हम उसे अगर लाइट से दूर रखें
तो जो जितना अमाउंट ऑफ रेडॉक्स मतलब रेंसिडिटी रिएक्शन होगा वो घट जाएगा। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंक्लूड होता है। जितने भी हमने टॉपिक थे वो कवर कर लिए। अब आपका काम है जितने भी एक्टिविटीज़ हैं एनसीईआरटी के अंदर वो मैंने कहीं ना कहीं रिएक्शन के अंदर या फिर थ्योरी के अंदर कवर कर दिए हैं, फिर भी वो क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से आप उसको रीड मार लीजिए। फिर आप चैप्टर के इजी इजी थोड़े क्वेश्चन कीजिए थ्योरी बेस्ड और थोड़े न्यूमेरिकल्स। फिर आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं आपको, अगर पता ना भी चला हो जितने भी मैक्सिमम मैं एग्जांपल लेता हूँ या फिर डेफिनेशन लेता हूँ या क्वेश्चन लेता हूँ वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। और भी थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप थोड़े से चैप्टर फिर से प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा चैप्टर और फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो फिर मैं अब अगले चैप्टर में मिलूँगा आपको, तब तक के लिए मिलता हूँ आपको, बाय बाय।